नमस्कार, मैं गौरी शंकर दुबे यहाँ होलकर स्टेडियम के नज़दीक इंदौर विकास प्राधिकरण की बिल्डिंग के पास खड़ा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ टीम इंडिया की जर्सी है, वो टीम इंडिया जो कि इन दिनों श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज खेल रही है और दुनिया की ड्रीम टीम कहा जाता है उसे। यहाँ कल मैच है भारत और श्रीलंका का, टीम इंडिया श्रीलंका का, होलकर स्टेडियम में। और होलकर स्टेडियम का यहाँ दूसरा T20 मैच है। पहला मैच भी श्रीलंका के खिलाफ ही हुआ था। आप जिन सज्जनों को इंदौर की सर्दी में अलाव ताप तो देख रहे हैं, वे सर्दी के आदि नहीं है, क्योंकि वे मुंबई शहर से आए हैं, चर्च गेट से। और मुंबई जो है वहाँ केवल दो ही मौसम होते हैं, बारिश और गर्मी। हालांकि शाम के समय वहाँ सर्द हवाएं चलती हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को ना तो अलाव तापने की जरूरत होती, ना ही गर्म कपड़े पहनने की जरूरत होती है। मेरे साथ जो सज्जन बैठे हैं, हम उनसे बात करते हैं। उन्होंने एक दिन पहले ही यहाँ डेरा जमा लिया है। आदरणीय, आपका नाम क्या है? जी दानिश, मोहम्मद दानिश नाम है। जोर से बोलिए, मोहम्मद दानिश साहब मेरे से बात कर रहे हैं। दानिश साहब, आपके साथ जो ये टीम आई है, इनके नाम क्या भाई हो गए? इनके नाम है अपना जेकब भाई। आपका नाम क्या है? विशाल। विशाल पूरा, विशाल भूषण डिंडे। और आपका? भूषण शिवाजी डिंडे। अच्छा, आपको पुत्र है ये। आप इनको यहाँ कैप बिकवाने के लिए लाए और टी शर्ट बिकवाने के लिए लाए, जर्सी। इनको कभी मैच दिखाया स्टेडियम में? वानखेड़े में देखा गया है। भाई आप बताइए, कितना सामान लेकर आए आप? ये हमारे पास 1500 टी शर्ट है। अच्छा, और बंदे हमारे साथ 15 बंदे हैं। और कैप कितना लाए? कैप ऐसे 1500 कैप है। अच्छा, जितने टी शर्ट उतने कैप है। इंदौर का स्टेडियम जो है वो 30,000 की आबादी वाला है जी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ आप कम सामान लेकर आए? लगता है हिसाब से कम ही आया है, फिर लगेगा जरूरत तो फिर आ जाएंगे। और भी आते हैं, लोग आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। सब मुंबई के है। आपका नाम? सब आने वाले। मेरा नाम जेकब। जेकब भाई, ये बताइए कि आप इंडिया को जितने भी मैच होते हैं वो सब आप सामान बेचते रहते हैं? हाँ। तो गुवाहाटी क्यों नहीं गए? गुवाहाटी से लंबा होगा ना, वहाँ का टूर करते तो आप पर सर्दी ज्यादा वहाँ है। फिर यहाँ से आप सीधे पुणे जाओगे? हाँ, से तो ट्रेन से, बस से? ट्रेन से। ये बताइए कि इंडिया में हर साल करीब 50 T20 वन डे टेस्ट मैच होते हैं, तो आपका सालाना कमाई इससे हो जाता है कि इसके अलावा भी कुछ काम करते हैं? इसके अलावा भी करते हैं। क्या करते हैं जेकब भाई? मैं अपना डिलीवरी करते हैं। डिलीवरी हुआ है, होम डिलीवरी करते हैं। और भाई जान, आप क्या करते हैं? जी मैं भी डिलीवरी करता हूँ, और फालतू टाइम में अपना टेलर के काम करता हूँ। टेलर का? हाँ। और आप क्या करते हैं जिंदे साहब? ये काम नहीं होता है तो दूसरा काम करता हूँ मैं, कैटरिंग का काम करता हूँ, भिखारी काम करता हूँ। और ये छोटू कितने, कौन सा क्लास पढ़ता है? बोल स्कूल में यार, स्कूल में नहीं जाता है, स्कूल जाता है। पापा से जीत करके आए कि लेकर आए? जीत करके आए। और इंडिया में कहाँ गए आप? इंडिया में कहाँ गए? बॉम्बे, इंदौर से? हर जगह गए। अच्छा, आप ये एक मैच में लगभग कितना पैसा कमा लेते हो? वो मैच के हिसाब से होता है, जैसे कि अगर सेलिंग ज्यादा नहीं, सेलिंग अच्छी हुई। इंदौर पहली बार आया? दूसरी बार आया। अच्छा, आप दूसरी बार? पिछला सेल अच्छा रहा था? पिछला सेल अच्छा रहा। कौन सा मैच था वो? वो इंडिया और वेस्ट इंडीज के इसमें आया, अभी हाल में ही हुआ। हाँ, अभी हाल में ही हुआ था। अच्छा, बिका था? हाँ, उसमें अच्छा बिका था, तो टिकट विंडो खुली हुई थी। अच्छा, तो उसमें अच्छी बिकी था। चलिए ठीक है। अभी क्या है, अभी ये टिकट विंडो ऑनलाइन की सिस्टम हो गया, इसकी वजह से थोड़ी तकलीफ आ गई। ठीक है, धन्यवाद।